वैक्सीनेशन आप ट्रेलर काफी ऑसम लग रहे हो, आप पुलिस ऑफिसर की राइट। एक्टिंग अरे मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, जब मैं यहाँ पर आया हमारे इवेंट के लिए तो मैंने अपना फोटो देखा, मैं बोला यार ये तो अच्छा लग रहा है फिर बाद में रियलाइज़ किया कि ये तो मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ जो कि मैं बहुत कम करता हूँ। बट आई वॉज प्रिटी कन्विंस्ड विथ माई कैरेक्टर, विथ माई रोल। जब आप सेट पर जाते हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाना है, और कोई आपको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तो बहुत मज़ा आता है। तो आई हैड क्रिएटेड माई ओन कैरेक्टर, आई वेंट ऑन सेट एंड आई जब मैंने पहला सीन किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये डायरेक्टर आके मुझे कुछ बोले बोलेगी नहीं ब्रो ऐसा कर या वैसा कर, तो मैं थोड़ा हिल जाऊंगा, बट ही डिडंट से एनीथिंग। तो सब चुप थे, सबको अच्छा लगा, दिस सेड गुड जॉब। तो मैं डायरेक्टर के पास गया, आई सेड ब्रो यू लाइक इट, इज लाइक या इट्स वेरी गुड, या ऐसे ही करता जा। सो आई वॉज आई एंजॉयड माई शूट। यार मैं सच बताऊं, जो वर्कशॉप चल रहे थे ना वो हीरोइन के साथ चल रहे थे, क्योंकि शायद उनका कैरेक्टर ज़्यादा मुश्किल था और उनका ये पहला प्रोजेक्ट भी है, तो डायरेक्टर का सारा कंसंट्रेशन हीरोइन पर था कि वो अच्छे से काम करे। कोई मेरी तरफ देख रहा ही नहीं था, उनको लग रहा था कि रुस्लान तो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, वो कर लेगा। बट मैंने कभी पुलिस का रोल नहीं किया था, तो जो भी मेहनत थी, जो भी प्रेपरेशन थी, मुझे खुद करनी पड़ी। सिर्फ डायरेक्टर का ओके चाहिए था जो मुझे फाइनली सेट पर मिल गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है और ये क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो ये किस तरह का आपका ये क्राइम है, क्या नेपाल से बच्चे आ रहे हैं, राइट क्या है हो रहा है, इसका मतलब कुछ अगर आप यू नो ये जो हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है और इसका कोई क्योर नज़र नहीं आ रहा। बट हमारे जो डायरेक्टर है वो ये नहीं चाहते कि ये जो मुद्दा है लोग भूल जाए इसे, तो एक फिल्म के ज़रिए वो इस मुद्दे को वापस उठा रहे हैं, वापस लोगों को बता रहे हैं कि नहीं ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। सो नो दिस, अगर आप कहीं भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो ब्रिंग इट फॉरवर्ड, यू नो इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब आप पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में गए या आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, हाउ यू फील दैट टाइम, आपको कैसा लग रहा था? यू नो व्हेन यू नो मुंबई पुलिस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई पुलिस, आई एम अ बिग फैन ऑफ मूवीज लाइक सिंघम। तो व्हेन आई गॉट टू वेयर द यूनिफॉर्म, यू नो फाइनली जब मैं रेडी हुआ, जूते पहने, यार जब मैं मिरर के सामने खड़ा था, देर वॉज जस्ट अ चेंज इन माई पर्सनैलिटी। आई जस्ट फेल्ट यू नो स्ट्रोंगर, आई फेल्ट राइट, आई फेल्ट कि यार मैं अभी जब मैं यहाँ से निकलूँगा ना, मैं एक अलग इंसान हूँ। और मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं रुस्लान हूँ जो यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, मुझे लगा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर दानिश हूँ, एंड आई विल कम आउट एंड आई विल मे बी सेव द वर्ल्ड। तो वो किस्म का एक जुनून था अंदर कि आई वॉन्ट टू सेव द वर्ल्ड। हमारे जो पुलिस होते हैं ना वो दे आर सुपर हीरोज। राइट राइट। तो जब ये फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, तो मुझे बताया गया था कि इट इज़ ओनली फॉर द इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, ऐसा ट्रेलर लॉन्च होगा या यहाँ पर लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चलेगा, ये भी मुझे नहीं पता था। सो ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, आई डन वन मूवी कॉल्ड नमस्ते वाहला, जो मुझे कहा गया था कि ये सिर्फ अफ्रीका के लिए, इंडियन और अफ्रीकन लव स्टोरी है, वो कभी कहीं रिलीज़ नहीं होगी या सिर्फ अफ्रीका में होगी, वो फाइनली नेटफ्लिक्स पे इंटरनेशनली रिलीज़ हुई है। सो यू नेवर नो यार, कोई भी प्रोजेक्ट कहाँ पर लेकर जाती है आपको, यू विल नेवर नो टिल इट हैपेंस। ऑनेस्टली यू नो इतने इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं टीवी के अलावा, इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, हमेशा मैं काम करता गया हूँ। इसके बाद लव यू फॉर एवर करके एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है, वो शायद रिलीज़ हो इस साल। देर आर अदर थिंग्स, देर सम शॉर्ट फिल्म, देर आर सम म्यूजिक वीडियोज़ में करते रहता हूँ, तो आई इन्जॉय ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड आई एम वेटिंग कि कभी कोई जो छोटा प्रोजेक्ट हो वो बड़ा हो जाए। एक लास्ट मैसेज टू योर फैंस, रमजान का महीना,
मैं अपने फैंस को सिर्फ इतना कहूँगा कि इतने सालों से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आज भी मैं जिधर भी जाता हूँ MP3 के गाने बजते हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे खुद के MP3 के गाने भेजते हैं। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो गाना है इट्स एवरग्रीन, जो मेरी फिल्म है वो एवरग्रीन है, और शायद उसी के वजह से मैं भी एवरग्रीन हो गया हूँ। मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं मेरी एज क्या है, मैं दिखता कैसा हूँ, एंड आई एम जस्ट स्टक देयर आई थिंक। थैंक यू, थैंक यू।